YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। किसानों ने अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है। गांव बंद आंदोलन के जरिए किसान आरपार की लड़ाई लड़ने के मूड में है। जी हां, किसानों का गांव बंद आंदोलन 10 दिन तक चलने वाला है। सवाल यही है कि ये आंदोलन कितना सही है और आंदोलन का तरीका कितना सही है। किसान अपनी मांगों को लेकर फिर सड़कों पर हैं। 10 दिन की आंदोलन की शुरुआत किसानों की ओर से कर दी गई है। आंदोलन में किसानों ने सरकार को साफ चेतावनी दी है कि किसानों की फल, सब्जियां या दूध शहर नहीं जाएंगे। साफ सा मतलब है कि अगले 10 दिनों तक जब तक ये आंदोलन चलेगा, किसानों के उत्पाद मंडी तक नहीं आएंगे। साथ ही किसानों का दावा है कि 22 राज्यों के किसान इस आंदोलन से जुड़ेंगे। किसान आंदोलनों के जरिए कर्ज माफी की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा सभी फसलों पर लागत के आधार पर 1.5 गुना लाभकारी मूल्य दिया जाए। किसानों की तीसरी मांग है फल, सब्जी, दूध के दाम भी लागत के आधार पर तय किए जाएं। जो बीजेपी ने वादा किया था कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक हम भाव देंगे लागत के ऊपर 50% ज्यादा, और उस पर किसानों ने विश्वास करके उनको वोट भी दिए थे, लेकिन अब रेट नहीं दे रहे, तो वो मांग है कि लागत पे 50% मुनाफा सभी फसलों में, उसमें सब्जी और दूध भी शामिल करें और उसके खरीदने की गारंटी भी हो। और दूसरी मांग है कि पूरे देश के किसान कर्जे में दब गए हैं, सुसाइड कर रहे हैं। पूरे देश के किसानों को, चाहे छोटा किसान है चाहे बड़ा किसान है, कर्जा मुक्त करें सभी को। सरकार की गलत नीतियों की वजह से किसान कर्जे में दबा है। और तीसरा है कि सभी की एक सुनिश्चित आमदन हो, चाहे वो देश का कोई भी नागरिक हो, जिंदा रहने का वाला आमदन तो सभी की होनी चाहिए। तो इन तीन मांगों को लेके पूरे देश में आंदोलन है, और 10 दिन तक, 10 जून तक अमनाथ और शहर में कुछ बेचने जाएंगे, सब्जी, दूध, फल, चारा शहर में कुछ बेचने के लिए नहीं जाएंगे और ना ही शहर से कुछ खरीदने के लिए जाएंगे। किसानों का साफ पक्ष है कि शहर में सामान बेचने नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ, शहर के लोग सब्जी खरीदने, दूध खरीदने या फलों के लिए गाँव में आ सकते हैं, लेकिन दाम खुद किसान तय करेंगे। आज पूरा दूध उड़ेलने का कार्यक्रम था कि सड़क के ऊपर डालेंगे, लेकिन हमने दूध को 10-20 लीटर ही दूध को सड़क के ऊपर उड़ेला, क्योंकि उसके बाद अंतर की आत्मा रोई और हमने दूध को बांटना शुरू कर दिया गरीबों में और पिलाना शुरू कर दिया। अब हम 10 दिन तक ऐसे ही रोज ऐसे ही करेंगे। अब हम कहीं भी इसको दूध को बाहर नहीं ले जाएंगे, ना सब्जी को बेचेंगे और ना दूध को बेचेंगे। समस्या ये है जी, हमारी सब्जी दूध बहुत मंदे रेट में खरीदे जा रहे हैं। सरकार से हमारी गुजारिश है भाई, इनके रेट निर्धारित किए जाए, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू की जाए, और जब तक ये नहीं होगा हम अपना 1 जून से लेकर 10 जून तक सब्जी दूध नहीं बेचेंगे। हमें कोई सरकार से कोई मालिया लड़ाई नहीं है हमारी, ना हम सड़क बंद कर रहे हैं। हम अपनी सब्जी का रेट मांग रहे हैं, हमारी दूध सब्जी का कोई रेट नहीं मिल रहा। 2 रुपये किलो लेते हैं, 50 रुपये किलो, 20 रुपये किलो, 30 रुपये किलो बेचते हैं। हमारी यही समस्या है भाई, हमारी सब्जियां के निर्धारित रेट करे जाए। किसानों के आंदोलन के चलते एक बार फिर विपक्ष को मौका मिला है सरकार को घेरने का। हम उसको समर्थन देते, हमने पहले भी इस बात का समर्थन किया था। किसान को दोनों हाथों से सरकार लूट रही है, उसको उसकी जीनस के जो है समर्थन मूल्य के हिसाब से भी दाम नहीं दिए जा रहे। दाम देने की बजाय उसको कम पे बेचने को मजबूर किया जाता है। जब किसान इसके लिए आंदोलन करता है तो फिर उसकी बात को सुनने की बजाय उनके ऊपर गोलियां बरसाई जाती है। गांव बंद आंदोलन के लिहाज से सुरक्षा के इंतजाम बढ़ाए गए हैं, स्थिति ना बिगड़े ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है। लेकिन सवाल यही है कि किसानों की मांगे कितनी जायज हैं, मांगे मनवाने का तरीका कितना जायज है। इसके अलावा सत्तासीन पार्टी की ओर से सत्ता में आने से पहले जब स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने का वादा किया गया था, तो अब लागू करने में कहां परेशानी है। स्पेशल डेस्क, खबरें अभी तक।